हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बेटा 2019 के क्वेश्चन पेपर का सेक्शन नंबर सी करने जा रहे हैं, जो हमारे चार चार नंबर के पांच क्वेश्चन का सेक्शन है। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। राइट द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग, ये एक्सरसाइज 2.2 में से है। इसको देखते हैं कैसे हमने सॉल्व करना है। ये है बेटा जी 12वां क्वेश्चन, टेंजेंट इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 + x² - 1 बाय एक्स। एक्स जीरो नहीं है, वो तो ऑब्वियस सी बात है भाई। अगर एक्स जीरो होएगा तो यहाँ नीचे जीरो आ जाएगा, तो ये इन्फिनिटी बन जाएगा। ठीक है, तो उसको तो भूल ही जाओ, कई बच्चे उस कंडीशन से भी परेशान हो जाते हैं। तो हरियाणा बोर्ड में इस तरह के क्वेश्चन कम आते हैं कि भाई आपको उस कंडीशन को यूज करना पड़े। आप बिना यूज करे भी इन सवाल को करके आ सकते हो। अब करना क्या है कि इस ब्रैकेट में हमें एक्स की जगह कोई ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू पुट करनी है कि ये अंदर वाला सारा टेंजेंट या कोटेंजेंट में बदल जाए, क्योंकि बाहर टेंजेंट इनवर्स है। दूसरी बात, पुट करने के लिए हमारे पास है साइन, कॉस, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट, कोसिकेंट। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि जब भी जमा का रिलेशन आए, क्योंकि जो साइन और कोस के फॉर्मूले होते हैं वो घटा में चलते हैं। अगर आपको याद हो, दसवीं में हमने करा था साइन स्क्वेयर थीटा बराबर है 1 - cos² θ, कोस स्क्वेयर थीटा बराबर है 1 - sin² θ। तो जो माइनस वाला आएगा उसके लिए हमने साइन कोस यूज करना है। ठीक है, लेकिन जो प्लस वाला आएगा उसके लिए या तो टेंजेंट यूज करो या कोटेंजेंट यूज करो। ठीक है, सीकेंट भी माइनस के लिए यूज होता है। तो मैं यहाँ रखने जा रही हूँ टेंजेंट थीटा, एक्स की जगह मैं रखने जा रही हूँ टेंजेंट थीटा। अब देखो इसका क्या होता है, ये बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स 1 + tan²θ का अंडर रूट माइनस 1 / tan θ। ठीक है, 1 + tan²θ याद है फॉर्मूला, दसवीं में आ जाता है सीकेंट स्क्वेयर थीटा। ठीक है, ये बनेगा सीकेंट स्क्वेयर थीटा। तो बेटा जब सीकेंट स्क्वेयर थीटा का अंडर रूट करोगे तो वो बन जाएगा सीकेंट थीटा माइनस 1 / tan θ। इनको अब आप बदल लो साइन में और कॉस में। ठीक है, सीकेंट को कैसे बदलोगे साइन कॉस में, बताओ भाई। सीकेंट का मतलब क्या होता है, सीकेंट कॉस बाय साइन कोटेंजेंट होता है, सीकेंट होता है 1 / cos θ - 1 और टेंजेंट होता है साइन बाय कॉस, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। यहाँ तक समझ आया, ऊपर भी एलसीएम ले लो, नीचे जरूरत नहीं है। तो ये बनेगा टेंजेंट इनवर्स। देखो कोस थीटा को एलसीएम लो तो यहाँ चला जाएगा, लेके दिखाऊं एलसीएम भाई। हमने ऊपर एलसीएम ले लिया कोस थीटा, तो कोस से कोस कट के एक बच गया और एक से ये कट के बच गया कोस थीटा। और डिनोमिनेटर में एलसीएम लेने की ज़रूरत ही नहीं है, जैसा है वैसा हम लिख देंगे साइन थीटा बाय कोस थीटा। कोस थीटा से कोस थीटा कट गया, ये हमारा क्या आ गया, टेंजेंट इनवर्स 1 - cos θ / sin θ। ऊपर आइडेंटिटी लगा दो, नीचे आइडेंटिटी लगा दो, ये सब आइडेंटिटी हमने अपनी प्लस वन में कर रखी हैं। अब इसको देखो, यहाँ आइडेंटिटी अपनी आ जाती है, ये बराबर है, यहाँ से तो हम हटा देंगे, ये तो पिछला लग गया था। और यहाँ हम ले लेते हैं पार्टीशन, यहाँ लगा लिया इक्वल टू, और ये हो गया भाई टेंजेंट इनवर्स 1 - cos θ का फॉर्मूला होता है 2 sin²θ/2, और ये फॉर्मूला हमारा होता है 2 sin θ/2 cos θ/2। फॉर्मूला यहाँ पे जरूर लिख के आना, चार नंबर का क्वेश्चन है। 2 से 2 कट गया, 1 sin से 1 sin कट गया, sin by cos टेंजेंट होता है, तो ये हो गया टेंजेंट थीटा बाय टू। टेंजेंट इनवर्स से टेंजेंट कैंसिल हो जाएगा, काटना नहीं होता है, बस एक हमने अपनी समझ रखनी है कि कट गया थीटा बाय टू, हमारा उत्तर आ गया। लेकिन थीटा दोबारा ऊपर आ जाओ, थीटा कहाँ गया, ये रहा, ये था
एक्स बराबर है टेंजेंट थीटा, यहाँ से थीटा का मान नहीं निकाला था हमने। जब तुम यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालोगे तो टेंजेंट इधर चला जाएगा और ये बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स एक्स। तो इस वैल्यू को अब आप यहाँ पर नीचे पुट करोगे इसकी जगह पर, तो ये तो 1/2 तो इसका आ जाएगा और थीटा की जगह ये आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स एक्स। ये आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगी उस क्वेश्चन की जो ये हमारा यहाँ पे था। ठीक है भाई, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलो तो ये हमारी आ गई है सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन में भी इस तरह के फॉर्मूले हम यूज करते हैं इनवर्स वालों में। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 13 कॉन्टिन्यूटी का है, एक्सरसाइज 5.1 से। फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू π/2। फंक्शन क्या है ये आप याद कर लो, ये क्वेश्चन सेट में भी आया हुआ था एक या दो नंबर में। याद आ रहा है, के कॉस एक्स बाय पाई माइनस 2x, और x π/2 के इक्वल नहीं है और वैल्यू 3 है अगर x π/2 के इक्वल। अब ये कह रहा है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, एक नंबर में आ जाए, मेरी बात सुन लो, मैंने ट्रिक बताई थी, अगर k वाला क्वेश्चन एक नंबर में आ जाए तो इस π/2 के मान को यहाँ रखना और इस उत्तर को इसके बराबर कर देना। ठीक है, वरना आपको इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट सारी आपको यहाँ पे लेनी पड़ेंगी। अब मैं आपको एक बार अलग से वैल्यू इसमें पुट करके दिखाऊं, भाई π/2 पे डायरेक्ट करूं तो ये बन गया k गुणा कोस π/2, नीचे आ गया पाई माइनस 2 × π/2 कट गया, कोस 90 0, पाई में से पाई गया 0, ये बनेगी 0/0 फॉर्म। इसलिए हम डायरेक्ट लिमिट पुट नहीं कर सकते, और कॉन्टिन्यूटी के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और वैल्यू बराबर होने चाहिए। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, और हमने ले ली लिमिट एक्स टेंड्स टू π/2 माइनस एफ एक्स। ठीक है, इसको ले लो लिमिट, ये अब इस बार भाई पूरा सिलेबस आ रहा है तो इस तरह का एक क्वेश्चन 100% आएगा, हरियाणा बोर्ड के रटे रटाए पैटर्न हैं, उनको फॉलो कर लो तो आसानी से पास हो जाओगे। π/2 माइनस k cos x बाय पाई माइनस 2x, इसको करने के लिए हम h पुट करा करते। तो x को पुट कर दो π/2 माइनस h, साथ में मेंशन कर दो कि जैसे ही x जाएगा π/2 माइनस पे तो h की वैल्यू कहाँ जाएगी, 0 पे। सिंपल सी एक ये लाइन आपने याद रखनी है। तो जो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट है यहाँ से उठा लो, लिमिट ध्यान देना k cos x की जगह आप रखोगे π/2 माइनस एच, ध्यान देना है पाई माइनस 2, और x की जगह भैया फिर रख दो π/2 माइनस एच। ठीक है, और ये हो जाएगा h टेंड्स टू 0। चलूँ आगे, अब कोस 90 माइनस थीटा, अगर याद हो किसी बच्चे को, अब यही टाइम है सारा कुछ याद करने का। हाँ, साइन थीटा, तो कोस 90 माइनस थीटा हो जाता है साइन थीटा, ये हो गया पाई, ध्यान देना 2 को अंदर ले जाओ तो भैया 2 से तो 2 कट गया और माइनस का आ गया पाई, माइनस माइनस प्लस, 2 को एच से गुणा करोगे 2h, पाई से पाई कट गया। के को और 2 को बाहर ले आओ, के को और 2 को लिमिट से बाहर ले आओ, के बाय 2 लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर है आपका साइन h, नीचे से 2 को मैं बाहर ले आई, बच गया h। ये लिमिट अगर किसी बच्चे को याद हो 11th में डायरेक्ट आती थी, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बाय h, लिमिट x टेंड्स टू 0 टेंजेंट x बाय x 1 होती थी, कितनी होती थी 1 होती थी। तो k बाय 2 इंटू 1, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगी k बाय 2। ठीक है, ऐसे ही राइट हैंड निकालनी है, मैं नहीं निकाल के दिखाऊंगी, इसी में अल्टर कर रही हूँ राइट हैंड लिमिट अब मैं ब्लैक पेन से। ठीक है,
अब मैं यहाँ कर दूंगी राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट में अब मैं क्या करूंगी कि यहाँ से करना पड़ेगा, थोड़ा सा ऊपर से लेते हैं एक बार देखो। जब मैं यहाँ राइट हैंड लिमिट लूंगी तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा प्लस, ठीक है। h टेंड्स टू जीरो, ये हो जाएगा पाई बाय टू प्लस h, ये हो जाएगा पाई बाय टू प्लस h, ठीक चल रहा है। चलो अब यहाँ ध्यान देना है, कोस 90 प्लस थीटा, कोस 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट माइनस साइन थीटा। तो यहाँ माइनस आएगा, एक माइनस तो यहाँ आएगा, ठीक है। और ये ध्यान से देख लो भैया, अब ये पाई माइनस पाई और ये माइनस प्लस, जो ये वैल्यू है ये यहाँ से अटके क्या आ जाएगी, माइनस। ऊपर नीचे के ना दोनों माइनस कट जाएंगे, यही वैल्यू कितनी आ जाएगी, के बाय टू आ जाएगी। समझ आई बात यहाँ तक। राइट हैंड लिमिट मैंने छोड़ दी है, तो राइट हैंड लिमिट तुम अपने आप निकाल के दिखाओगे तुम पेपर में, क्योंकि ये चार नंबर का है। अब ध्यान दो बात पे, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों के बाय टू आ गई, फंक्शन कंटिन्यूस है तो फंक्शन की लिमिट और वैल्यू दोनों क्या होनी चाहिए भाई, इक्वल होनी चाहिए। वैल्यू पाई बाय टू पे कितनी है, तीन है, ठीक है। तो ये बात अब आप लिख देना है, बिकॉज फंक्शन इज कंटिन्यूस, फंक्शन कंटिन्यूस है तो जो लिमिट है वो वैल्यू के बराबर हो जाएगी। लिमिट आ रही है के बाय टू, वैल्यू कितनी है, तीन है, के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तीन दुनी छः आ जाएगी। ये था हमारा कंटिन्यूटी का चार नंबर का क्वेश्चन, इसी को सेट में एक नंबर में कन्वर्ट करके दे रखा था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 भी उसमें डाल रखा था, हाफ ईयरली में आया हुआ था जहाँ तक मेरा ख्याल है। फाइंड द इंटरवल इन विच दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, फंक्शन दे दिया और आपको वो इंटरवल पूछे गए हैं जिसमें ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो सबसे पहले तो लिख लो भाई फंक्शन, ठीक है। फंक्शन क्या है हमारा, 2x³ - 3x² - 36x + 7। इंटरवल निकालना है तो सबसे पहले इसको कर दो डिफ्रेंशिएट, कितना हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन इसकी, 6x² - 6x - 36। 6 कॉमन ले लो साथ के साथ, x की 2 माइनस x माइनस 6, मैं टुकड़े भी बना रही हूँ इसके साथ के साथ, वो बन जाएंगे x माइनस 3 और x प्लस 2, ठीक है। इंटरवल आ गया, डिफ्रेंशिएशन आ गई, डिफ्रेंशिएशन के इंटरवल आ गए, इनको कर दो जीरो के बराबर पुट, ठीक है। पुट f डैश x इज इक्वल टू जीरो, जब इसको जीरो पुट करोगे 6 × x - 3 × x + 2 इज इक्वल टू जीरो, तो x की दो वैल्यू जाएंगी, एक तीन आएगी एक माइनस दो आएगी। तो जो आपकी नंबर लाइन है वो तीन पार्ट्स में आपकी बट जाएगी, एक ब्रेक यहाँ आ रहा है आपका और एक ब्रेक यहाँ आ रहा है, ठीक है। तो एक इंटरवल बनेगा इससे छोटा, एक बनेगा माइनस दो और तीन के बीच में और एक बनेगा इससे बड़ा, ठीक है। उन तीनों में आपने बताना है कि किस इंटरवल में आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है, किस में डिक्रीजिंग है। उसके लिए हम क्या करेंगे कि इन इंटरवल के पॉइंट्स पर डेरिवेटिव को चेक करेंगे। याद कर लो, जिन पॉइंट्स पे डेरिवेटिव पॉजिटिव है वहाँ फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, जिन पॉइंट्स पे डेरिवेटिव नेगेटिव है वहाँ फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। तो थ्री इंटरवल्स आर देयर, पहला इंटरवल इधर से शुरू करना है लेफ्ट साइड से माइनस इन्फिनिटी से माइनस दो, दूसरा इंटरवल है माइनस दो से तीन और भाई तीसरा इंटरवल है तीन से इन्फिनिटी। अब इसको मैंने जब हाफ ईयरली का सैम्पल पेपर डाला था सेम क्वेश्चन दे रखा था, वहाँ भी मैंने पूरी डिटेल में करा रखा है। तुम्हें मैं बताऊँगी छोटा तरीका, दो तरीके होते हैं, एक एक्स वाला होता है, तुम करना पॉइंट लेके, वो तुम्हें पड़ेगा आसान। पहला इंटरवल ले लो कि भाई जब एक्स माइनस इन्फिनिटी से माइनस दो के बीच में है, यहाँ है, तो तुम एक पॉइंट ले लो, कोई भी एक पॉइंट ले लो जो इधर हो, क्या लेऊँ बताओ,
वेरी गुड, हमने मान लिया कि x का मान कितना है और इस मान को अब हम भाई पुट करेंगे f डैश x में, ठीक है, डायरेक्ट पुट करके देखो, ये f डैश x है, ध्यान देना, 6, उत्तर मत निकालना, मैं निकाला तो निकाल लेने, तो डायरेक्ट साइन चाहिए हमें, यहाँ -3 रखो ये आया, यहाँ -3 रखो ये आया, 6 पॉजिटिव है, ये जो उत्तर आएगा नेगेटिव आएगा, -3 में से 2 गया नेगेटिव, 2 नेगेटिव की गुणा करोगे पॉजिटिव, तो ये हम ऑलवेज 0 से बड़ा आएगा। जब हमने इस इंटरवल को लिया, इसमें से एक पॉइंट उठाया, एफ डैश एक्स में रखा, तो मेरा डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया। इस इंटरवल में डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब इस इंटरवल में हमारा फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो यहाँ आप लिख दो कि एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन द इंटरवल -∞ to -2, ठीक है। बाकी के दो मैं यहाँ बता रही हूँ, इसी पेज पे हमारा काम चल जाएगा। दूसरे पे आ जाओ भाई, -2 से 3 के बीच में कोई भी एक पॉइंट ले लो, 0 ले लो, 0 को इसमें पुट करो, समझ रहे हो ना मेरी बात को भाई। मैं ले रही हूँ सेकेंड इंटरवल की, x बिलोंग कर रहा है -2 से 3 को, तो x मैंने ले लिया 0 और अब मैं यहाँ पुट कर रही हूँ डेरिवेटिव में। बहुत आसान सा क्वेश्चन होता है ये, तो 6 आएगा, 0 -3 आएगा, और भाई 0 जमा 2, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, लेस देन 0, लेस देन, देखो इसमें अभी अभी हमने निकाल लिया है तो हम यहाँ पे कर भी सकते हैं, इसमें मेरा फंक्शन आ रहा है इंक्रीजिंग, दूसरे इंटरवल में मेरे डेरिवेटिव का साइन नेगेटिव है तो फंक्शन आएगा डिक्रीजिंग। तीसरा और चेक कर लो जल्दी से, जब हमारा इंटरवल 3 से बड़ा है, पॉइंट मैंने ले लिया 4, तो 4 जब मैंने ले लिया और मैं यहाँ पुट कर रही हूँ, एक्स माइनस 3 और एक्स जमा 2 है, ध्यान दे लेना, तो भाई मैंने ले लिया x को 4, तो जो f डैश x है वो आया 6 ब्रैकेट 4 माइनस 3 और 4 जमा 2, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, मतलब मेरा उत्तर पॉजिटिव आएगा, उत्तर पॉजिटिव आएगा तो f x इज इंक्रीजिंग। ये ऐसे नहीं करके आना है, लास्ट में आप पूरी समरी लिख के आओगे कि एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन दिस एंड दिस इंटरवल एंड एफ एक्स इज डिक्रीजिंग इन दिस इंटरवल। समझ आ गया, मुश्किल था, आगे बढ़ूं। क्वेश्चन नंबर 15, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ पैक ऑफ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, दो पत्ते निकाले हैं जो कि दोबारा रखे गए, एक निकाला फिर रखा एक निकाला, यानी दो पत्ते इकट्ठे निकाले हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, राइट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ एसेज ऑब्टेंड, जो दो पत्ते हम निकाल रहे हैं उनमें से कितनी बार हमें इक्का मिलेगा, इस बात का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपने बनाना है। डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या करते थे, एक्स मान लेते थे, ठीक है भाई, सबसे पहले तो आप ले लो, लेट x इज द नंबर ऑफ एसेज इन ड्रा ऑफ टू कार्ड्स, इन ड्रा ऑफ टू कार्ड्स, भाई जो दो पत्ते हम निकाल रहे हैं उनमें कितनी बार हमें इक्का मिलेगा, वो x है, तो या तो हमें एक बार भी इक्का नहीं मिलेगा, या एक बार मिलेगा या दो बार, क्लियर है यहाँ तक। अब निकाल लो इक्के की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, तो एक कार्ड जब निकाला जाता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस कितने होते हैं, इक्के 4/52, 1/13, और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन एस कार्ड कितनी हो जाएगी, 12/13, ठीक है, चलूँ आगे। अब बिल्कुल सिंपल है, या तो उससे कर लो, एनसीआर से कर लो, बाइनोमियल से, या फिर ये तो बहुत आसान सा है भाई, एक्स बराबर है 0, एक्स बराबर है 0 का मतलब दोनों के दोनों जो कार्ड हैं वो नॉन एस कार्ड हैं, ठीक है, इनके नाम दे लो,
एस कार्ड को ए ले लिया और नॉन एस कार्ड को ए बार ले लिया, तो दोनों बार हमारा इक्का नहीं आ रहा, इक्का नहीं आ रहा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार 12/13 शॉर्ट में बता रही हूँ मैं, 144/169। दूसरा केस आ जाता है एक का, यानी कि वन एस कार्ड, भाई एक पत्ता हमें इक्के का मिल रहा है, तो पहला इक्का मिल रहा है, दूसरा इक्का नहीं मिल रहा, पहला एस नहीं मिल रहा, दूसरा मिल रहा है, और का मतलब यूनियन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ए बार प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार ए, ये हो जाएगा दुगुना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ए बार, दो गुणा ए की प्रोबेबिलिटी 1/13, ए बार की 12/13, 24/169। क्लियर। और थ्री की ओर ले लेते हैं भाई, टू की भाई, जब एक्स हमारा 2 है, यानी दोनों इक्के हैं, तो ए ए अलग अलग कर लेना, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, इंडिपेंडेंट का कहाँ से पता लगता है, क्योंकि हम पत्ते को रिप्लेस कर रहे हैं। इक्के कितने हैं, इक्के की प्रोबेबिलिटी 1/13 × 1/13 × 169 आ गया। अब आपने यहाँ टेबल बना देनी है एक्स, ये टेबल अगर नहीं बनाओगे तो डिस्ट्रीब्यूशन पूरा नहीं माना जाएगा, 0 है, 1 है और 2 है। पहचान क्या बताई थी इसकी, नीचे की प्रोबेबिलिटीज का जो सम है वो ऑलवेज 1 आएगा, आप चेक कर सकते हो 24 और 1 = 25, 144 में जोड़ोगे 169/169, ठीक है। और अब है हमारा लास्ट, इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत आसान है, 16th क्वेश्चन है, सेक्शन सी का लास्ट है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर। पहली बात सुन लो ध्यान से, एक यूनिट वेक्टर निकालना है, यानी कि मॉडुलस से तो भाग करनी पड़ेगी। परपेंडिकुलर टू ईच वेक्टर, यानी जो इसके भी परपेंडिकुलर और इसके भी, वेयर ए इज दिस एंड बी इज दिस। अभी जरा पहले मैं ए बी और उनका सम निकाल लूं। वेक्टर ए है आई प्लस जे प्लस के, ध्यान देना, वेक्टर बी है आई प्लस 2j + 3k। अब ये कहता है ए प्लस बी, डायरेक्ट बना रही हूं मैं, ए प्लस बी करोगे तो बताओ भाई 2i 3j 4k, ए माइनस बी करोगे तो भाई आई में से आई घटाएंगे 0i - j है ना, और -2k। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ वेक्टर्स दिस। हम क्या करते हैं, हम इसको नाम दे देते हैं, ये हो गया वेक्टर सी और ये हो गया वेक्टर डी। इन दोनों के परपेंडिकुलर एक तीसरा वेक्टर निकालना है, फिर उसको यूनिट में बदलना है। अब एक बहुत सिंपल सी बात मैंने क्रॉस प्रोडक्ट में बताई थी, कि जब भी ऐसी कोई भाषा आ जाए कि दो वेक्टर हैं और उनके परपेंडिकुलर तीसरा वेक्टर निकालना है, तो उनकी आपने लेनी है क्रॉस प्रोडक्ट। अब हमें सी और डी के परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है, तो बस सिर्फ आपने इनकी क्रॉस प्रोडक्ट निकालनी है, ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ सी एंड डी इज गिवन बाय सी क्रॉस डी। इन दोनों की क्रॉस कर दो, आई जे के 2 3 4 0 -1 -2, खोलो इस डिटर्मिनेंट को, आई ये गया -6 + 4, माइनस जे ये गया -4 - 0 + k ये गया -2 - 0। ध्यान देना, माइनस का 2i, माइनस माइनस प्लस का 4j और माइनस का 2k, ये आया है c क्रॉस d। अगर मैं इस वेक्टर को नाम दे दूं, क्या नाम दूं, e नाम दे दूं, तो ये वो वेक्टर है, ध्यान देना मेरी बात पे, ये वो वेक्टर है जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है। लॉजिक पकड़ना, a दिया b दिया, a जमा b निकाला a - b, अब इनके भी परपेंडिकुलर तीसरा वेक्टर, यानी इनकी क्रॉस प्रोडक्ट। अब जो ये फाइनल वेक्टर आया है, इसको बदलना है
यूनिट वेक्टर में, आज ही करवाया मैंने यूनिट वेक्टर का सवाल, किसी भी वेक्टर को यूनिट वेक्टर में बदलना हो तो भाई उसका ले लो मॉडुलस, ठीक है, माइनस दो का स्क्वेयर चार, मैं शॉर्ट में करा रही हूँ, 16 और चार का अंडर रूट 24, 24 को हम लिख सकते हैं 4 6 24 यानी कि 2√6, इसका बना दो यूनिट वेक्टर तो क्या आएगा, ध्यान दो, हाँ अब सबसे 2 कट भी जाएगा, -2/2√6 आई प्लस 4/2√6 जे -2/2√6 के। चलूँ आगे, अभी ये फाइनल नहीं हुआ है, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया और 2 2 जा 4, ये वो वेक्टर है जो हमारा ऊपर चला गया, रिक्वायर्ड था कि -1/√6 आई प्लस 2/√6 जे और -2/√6 के। ये थे 4 नंबर के, अगले लेक्चर में 6 6 नंबर के करेंगे जो कि थोड़े ज़्यादा हैं, उनमें ऑप्शन भी है। थैंक यू।